रानीपुर क्षेत्र के गांव सलीमपुर में खेलते समय लापता हुए दो मासूम बच्चों के शव एक गांव के पास ही बने गोदाम में खड़ी एक वर्ना कार में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार, एसपी सिटी और सीओ सदर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीपुर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार से दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सलीमपुर महदूद के रहने वाले कुर्बान ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि शुक्रवार की सुबह 10 बजे उनका 7 साल का बेटा अरहान और 8 साल का भतीजा फरहान घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गए। उनकी काफी तलाश की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन रविवार रात करीब 10:15 पर पुलिस को सूचना मिली कि एक कार में दो बच्चों के शव मिले हैं। स्थानीय पुलिस हरिद्वार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दोनों बच्चों की शिनाख्त परिजनों ने अरहान और फरहान के रूप में की। जिस कार में शव मिले वो पड़ोस में ही खड़ी थी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कोतवाल प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि दोनों बच्चों की गुमशुदगी कोतवाली रानीपुर में दर्ज कराई गई थी, जिनके शवों को गांव में ही पास के गोदाम में खड़ी एक कार से बरामद कर लिया है। फिलहाल स्पेशल फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि 7 तारीख रात को हमारा रानीपुर कोतवाली में सूचना मिली कि सलीमपुर क्षेत्र में दो बच्चे हैं जो 8 साल का है 7 साल का है, वो दोनों मिसिंग करके तत्काल रूप से जो है हमने गुम शुरू स्टार्ट और वहाँ कायम किया था और हमारा विभिन्न टीम गठित करके जो है लगातार हम प्रयास कर रहे थे। आज रात का हमारे पास सूचना मिली थी कि जो घर का पास में घोड़ा मिले गाड़ी के अंदर एक गाड़ी दिख गई करके, फिर हमने फॉरेंसिक टीम के साथ आके दोनों गाड़ी को हमने अभी कब्जे में लिया है। अभी फॉरेंसिक टीम से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, उस गाड़ी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे का कार्रवाई जैसा हो सकता है उसका किया जाए। तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक जो है कोई कंफर्म नहीं कह सकते हैं, अभी हमने एविडेंस सबूत कलेक्ट करें, जैसा क्लियर होगा हम आपको अवगत कराएंगे। अरहान 2-7-8 साल के बच्चे थे, बहुत गरीब मजदूर परिवार के बच्चे थे। 3-4 दिन से उसमें SHO रानीपुर, CO, SP, SSP सब लगे हुए थे। आज बगल में ही जो है एक गैराज है, गैराज में गाड़ी कोई पुरानी खड़ी है, उस गाड़ी में उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी मिली है और डेड बॉडी से संभवतः लगता है कि उनका मर्डर किया गया है। कुछ चोट के और ब्लड के निशान हैं और अभी पुलिस बरामद करके ले गई, बाकी सब चीज़ें तो PM के बाद ही पता चल पाएंगी। गुमशुदगी की तहरीर दी गई थी, अब इसको जो है कन्वर्ट करके मर्डर में जो है किया जाएगा और किसी अच्छे अधिकारी से इसकी तफ्तीश करा कर सही जो इसके मुलजिम हैं जो कातिल हैं उनको सख्त से सजा दी जाएगी और पूरा गांव इसकी घोर निंदा करता है। पूरा गांव जो है पीड़ित परिवार के साथ है, हर तरीके से हर समाज के लोग बिल्कुल तन बंधन से साथ खड़े हैं इसके लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, दोषियों को फांसी से कम सजाना हो ऐसी हम जो है पुलिस प्रशासन से और न्याय विभाग से जो है कामना करते हैं।